पूरा मामला कोतवाली भोगनीपुर इंस्पेक्टर राजेश सिंह का है, जहां कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के कुसरजापुर गांव निवासी एक महिला ने एसपी कानपुर देहात को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मार्च 2022 को दो लोगों ने उसके बेटे की हत्या कर दी थी, जिसकी जांच भोगनीपुर इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही थी, जहां आरोपियों पर कार्रवाई के नाम पर महिला से 50,000 रिश्वत इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने लेने के बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मासूम बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पीड़ित महिला महीनों से कोतवाली के चक्कर लगाती रही। हर बार इंस्पेक्टर आरोपियों पर कार्रवाई की बात कहकर महिला को आश्वासन देता रहा। पीड़ित महिला ने बताया कि 16 अगस्त को जब वह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए कोतवाली भोगनीपुर गई तो इंस्पेक्टर राजेश सिंह भड़क गए और गाली गलौज देते हुए बोले, अब दोबारा कोतवाली मत आना नहीं तो तुम्हें जेल भेज दूंगा, तथा गाली गलौज देकर थाने से भगा दिया, जिससे आहत पीड़ित महिला ने न्याय के लिए एसपी कानपुर देहात के दरबार में न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर को जांच की कार्रवाई के लिए आदेश दिए। आपको बताते चले कि रिश्वतखोर इंस्पेक्टर की एक कहानी नहीं, कई और ऐसी कहानियां कोतवाली में देखने और सुनने को मिलती रही हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को इंडियन प्राइम न्यूज पर। भोगनीपुर क्षेत्र के कुसरजापुर गांव में जहां पर एक महिला के द्वारा कानपुर देहात एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया गया है कि भोगनीपुर इंस्पेक्टर ने 50,000 रुपए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर लिए गए हैं, उसी मामले लेकर हम लगातार उसी पीड़ित परिवार के घर के पास हम आ चुके हैं। लगातार ये वही पीड़ित परिवार के घर है और ये उनके जानवर बंधे हुए हैं और इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या। ये लगातार भारी भीड़ के जमावड़ा देख सकते हैं। ये भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुसरजापुर गांव का पूरा मामला है, जहां पर लगातार मेरे कैमरे में आज हम वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर खाकी वर्दी पहने हुए रिश्वतखोर इंस्पेक्टर की कहानी आज हम आपको खुलकर दिखाएंगे। ये लगातार वो पीड़ित परिवार, जहां पर कई मीडिया साथी हमारे यहां पर आए हुए इस मामले को बड़े गंभीरता से लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम वो घर दिखा रहे हैं। लगातार देख सकते हैं ये झोपड़पट्टी का बना हुआ ये घर है, जहां पर ये पीड़ित परिवार लगातार एसपी कानपुर देहात को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय गुहार लगा रहा है। लेकिन 13 मार्च 2022 को इनके 4.5 साल के मासूम बेटा था, जिसकी गांव के ही दो लोग उठा ले गए, उसके साथ कुकर्म किया, गंदे काम किए, उसकी हत्या कर दी और गन्ने खेत में फेंक दिया गया था। लेकिन इनका कहना है कि दो आरोपी पकड़े गए, जिसमें कि एक आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया, खासकर रिश्वतखोर इंस्पेक्टर राजेश सिंह, जो कि वर्तमान में भोगनीपुर इंस्पेक्टर है। ये लगातार पीड़ित का परिवार, पीड़ित के माता पिता भी खड़े हैं, लगातार बच्चे के माता पिता खड़े हैं और वो नजारा दिखाएंगे। अभी रक्षाबंधन का दौर था और जानकारी मिली कि इकलौता बेटा, 7 बहनों में इकलौता छोटा सा भाई था, फोटो लगे और ये रोता हुआ परिवार नजर आ रहा है कानपुर देहात में, जहां पर ये मासूम बेटे की 7 बहनों में इकलौते भाई के दौरान में जब भाई नहीं रहा तो फोटो में राखी बांध कर रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया है। मैं कानपुर देहात की एसपी सुनिधि मैडम से कहना चाहूंगा, ये रिश्वतखोर इंस्पेक्टर जो कि भोगनीपुर में बैठा हुआ है, इसकी कोई एक कहानी नहीं है, जाने कितनी कहानियां ऐसी भोगनीपुर में नजर में आई हैं। और ये लगातार इसका पूरा मामला जानेंगे, घटना के संबंध में क्या कहना चाहती है, कितने रुपए लिए, कब लिए, क्या पूरा मामला है। तो क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी कहाँ की रहने वाली हैं? कुसरजापुर की। अच्छा, ये बेटे की हत्या कब हुई थी? 13 तारीख 13 मार्च को हुई थी। 13 मार्च का। अच्छा अच्छा, तो अभी तक आपको न्याय मिला या नहीं मिला? मैंने और नहीं मिले, सब घूमते फिरते रहते हैं, सब भटकते पड़े, लेकिन कोई है नहीं, सब कोई बता देता वही चले जाते, आते तक दिलाते रहे। सबसे ज्यादा इंस्पेक्टर ने काम खराब किया। इंस्पेक्टर भोगनीपुर, भोगनीपुर। ये बेटे का नाम क्या था? कृष्णा। दे सकते हैं कि रक्षाबंधन के दौरान ये मासूम बेटा कृष्णा, जिसकी उम्र 4.5 साल थी, और 13 मार्च को गांव के ही दो हवस के पुजारी, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिन्होंने मासूम बच्चे साथ कुकर्म करने के बाद में हत्या करके सौ को। नाम है आपका? सुनीता। किस थाना क्षेत्र की रहने वाली है? भोगनीपुर। कौन सा गांव? कुसरजापुर। अच्छा, ये बेटे वाला पकड़ा है, हत्या वाला क्या मामला है ये? जी सर कुछ नहीं हुआ है, कका तो राम जी और श्याम लाल जी पकड़े गए थे दोनों, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया दोनों लोगों को, और खुलासा हो गया, फिर भी उसको छोड़ दिया पैसे ऐसे लेके। ये दो लोग गिरफ्तारी हुई थी, कहाँ रहने वाले थे? ये कुसरजापुर के रहने वाले हैं, एक है कोरी और एक है चमार। तो जब आप हाँ, थाने पर गई तो आपके साथ क्या व्यवहार हुआ?
अब आप थाने गए तो बोले कि उससे पैसे ऐसे ले लिए, तो बोले कि तुम भी दो तो हम उसको भी गिरफ्तार कर देंगे, चुप्पे हमको दे देना। तो हमने कही ठीक है, हमने अब दे दिया। पहले गए तो आध दिन तक सारा दिलाते रहे, और फिर दोबारा भी गए तो काका दोबारा भी यही कह दिया, तीन भाई खाते रहे। परसों बोले कि जाइए, तुमको जहाँ जाना हो जाइए, कुछ भी नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने काका पैसा ले लिया 50,000 रुपए। इंस्पेक्टर कौन, भोगनीपुर का था? हाँ, भोगनीपुर का इंस्पेक्टर था। अच्छा। हाँ, और काका तो हम गए तो ऐसे ही कहने लगे कि जाइए जहाँ जाना हो, तुझको कुछ नहीं होगा। तो वहाँ से चले आए हम। तो उसके बाद आपने क्या एप्लीकेशन आगे दी किसी को? हाँ, फिर आगे एप्लीकेशन दी वहाँ पर माती में। अच्छा। हाँ, उनका काका सीओ कप्तान साहब का, कप्तान साहब को दी। तो वहाँ गए को बोले कि जाइए आप, जांच आंच हो जाएगी। वहाँ से फिर भी चले आए। तो इंस्पेक्टर ने आपको धमकाया है वहाँ पर? हाँ, तो कहने लगे कि जाइए तुम जहाँ जाना हो, कहीं कुछ नहीं होगा तुमको, कहीं और यहाँ दोबारा कदम मत रख देना थाने में। अभी तक एसपी के द्वारा इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई की गई है? नहीं की गई है। नहीं। की नहीं गई है। गाली गलौज करके भगा दिया गया। आपके कितने बच्चे हैं? 7 हैं। 7 बच्चे हैं। हाँ। लड़की कितने थे? 7 लड़की थी, 18 लड़का था। मतलब एक बेटा, इकलौता? हाँ, इकलौता बेटा था मेरा। घटना किस तारीख की है और किस महीने की है? 13 तारीख की है घटना, मार्च में। 13 मार्च। 13 मार्च। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि उसको भी जेल भेजा जाए। क्या जाति सूचक गालियां देकर आपको? हाँ हाँ, गालियां आलियां दी और बोले कि जाइए तुझको जहाँ जाना हो चली जा, कहीं तो तुझको भी बंद कर देंगे। क्या नाम है आपका? राकेश जी, अब आपके बेटे को तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको न्याय दिलाने की भरकस प्रयास कर रहे हैं। और कानपुर देहात में ईमानदार और तेज तर्रार छवि की सुनीति मैडम एसपी मैडम आई हुई है, आपके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? न्याय नहीं मिला का। तो अभी तक न्याय नहीं मिला तो न्याय की उम्मीद नहीं है? उम्मीद तक क्या करें, परेशान समाज। तो मैं खासकर अपने चैनल के माध्यम से सूबे की योगी सरकार से कहना चाहूंगा, जहाँ पर आपके सख्त आदेश होने के बावजूद खाकी पहने हुए ये रिश्वतखोर इंस्पेक्टर की कारस्तानी उजागर हो रही कुसरजापुर गाँव की। मैं अंदर भी ले चल रहा हूँ, उनका घर दिखा रहा हूँ, ये टूटा फूटा घर है। और ये करते क्या है आप? यही बेलचा वाली गाड़ी गाड़ी उतार लेते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं, बेलचा मोरंग उतारना चढ़ाना। तो आपने 50,000 रुपए कहाँ से कैसे दिए थे? भैंस बेचा था 52,000 की। 52,000 की भैंस बेच के दी थी? उसी दिया था। दिया था। तो दे सकते हैं कि जो जानवर से जीवन यापन कर रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, पीड़ित परिवार ने 52,000 रुपए की भैंस बेची थी, वो 50,000 रुपए दिया था, ऐसी तो है ना? और ये पीड़ित परिवार के घर है, अगर इनका व्यापार बहुत बड़ा होता तो बड़ी से अच्छी बिल्डिंग बनी होती। ये पन्नी डाले हुए जीवन काट रहे हैं, ये देख सकते हैं कि छप्पर रखा हुआ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां योगी सरकार की पुलिस पर खुले आप आरोप लगा रही है ये पीड़ित परिवार की महिला, जहां पर न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अब देखने वाली बात होगी सूबे की योगी सरकार में इस खाकी के नुमाइंदे जो लगातार रिश्वत खाकर न्याय का गला घोटने में लगे हुए हैं, क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? या सूबे की योगी सरकार, ये अंधी बहरी कानी सरकार जो काला चश्मा लगाकर एसी के दरबार में बैठी हुई है? तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा, सूबे की योगी सरकार से निकल के सामने आए कानपुर देहात की, खासकर भोगनीपुर इंस्पेक्टर की कार्यशाली निकल के सामने आ रही है। तो महाराज, आपका चाबुक कब ऐसे रिश्वतखोर इंस्पेक्टर चलेगा? ये लगातार नजर देख सकते, ये वो जानवर बंधे हुए हैं, ये 1, 2, 3 जानवर बंधे हुए हैं, और चौथा जानवर बेचकर उन्होंने पैसा दिया था। और भी गाँव के लोग खड़े इनसे बात करेंगे कि मासूम बेटे की हत्या को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? हरी परिवार है, नानी है, आपके नाती की हत्या हुई थी, कुछ कहना चाहेंगी आप? अब बेटा हम हमका कह कर नानी। ये नानी है जो मासूम बेटा कृष्णा था, 4.5 साल, ये उनकी नानी है। और भी गांव के लोग यहां पे लगातार हैं, और ये पीड़ित परिवार के घर है। मैं एक बार फिर सरकार से कहना चाहूंगा कि महाराज, आपकी कृपा दृष्टि पीड़ित परिवार की भी ऊपर पड़े, और इस रिश्वतखोर इंस्पेक्टर पे कार्रवाई की जाए, और खासकर न्याय की आस लगाए हुए पीड़ित परिवार आपकी सरकार में न्याय की उम्मीद मांग रहा है। ये रोता हुआ परिवार, मैं फिर कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ, ये रोता हुआ परिवार है और न्याय की उम्मीद को लेकर आपसे फरियाद लगा रहा है। तो देखते रहिए इस खास रिपोर्ट को, इंडियन पर, जंग बहादुर सिंह के साथ में।